सो हे गाइज, मेरा नाम है सौरभ। गाइज, ये है आईफोन का 14 प्रो मैक्स। जैसे कि आपको पता होगा, आईफोन का 16 सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स देखने को मिलता है। तो 16 सीरीज लॉन्च होने के बाद में iPhone 14 Pro Max जो है एक साल और पीछे चला जाता है। मतलब अब iPhone 14 Pro जो सीरीज है ये दो जनरेशन हमें पुराना देखने को मिलता है और डिफरेंसेस काफी ज्यादा आपको कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज के डेट में भी iPhone 14 Pro Max का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और ये फोन आज के डेट में आपको नया तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग iPhone 14 Pro Max का बेस वेरिएंट लेते हो 128GB वाला, तो आज के डेट में ये फोन आपको 65 से लेकर 70,000 तक में भी मिल जाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग आज के डेट में iPhone 14 Pro Max की तरफ जाना चाहते हैं iPhone 15 Pro Max और iPhone 16 Pro के कंपैरिजन में। बट उनका सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि बैटरी बैकअप हमें किस तरह की देखने को मिलेगी iPhone 14 Pro Max से, क्योंकि लोग सेकेंड हैंड फोन को लेते टाइम तो उस फोन का कैमरा, डिस्प्ले सारा कुछ चेक कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आप लोग जो फोन लेने जा रहे हो वो फोन कभी भी खुला हुआ नहीं है, काफी अच्छे कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है, उसका डिस्प्ले हो गया या फिर कैमरास हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, सारा कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलता है। बट बैटरी हेल्थ जो है वो आपको जाहिर सी बात है कि 90% के आसपास में ही देखने को मिलेगी। किसी में आपको 85 देखने को मिल सकती है, तो किसी में 88, 87, 90 इस तरह की ही आपको देखने को मिलेगी। 100% के साथ में आपको देखना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है। तो इस केस में आपको बैटरी बैकअप आपके डे टू लाइफ यूसेज में किस तरह की देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि iPhone 14 Pro Max में हमें बैटरी एमएच कितनी देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें 4323 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। मेरे फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 87% है। इससे आपको समझने में, रिलेट करने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप लोगों को किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी iPhone 14 Pro Max से आपके डे टू लाइफ यूसेज में। अब मान लेते हैं आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग एक iPhone 14 Pro Max लेने वाले हो सेकेंड हैंड में, जिसमें कि आपको 85, 87, 88, 90% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल रही है उसको। अब देखो, बैटरी बैकअप आपको किस तरह की देखने को मिलेगी ये चीज समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि टोटल तीन कैटेगरी के यूजर्स होते हैं। पहले कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि अपने फोन को काफी ज्यादा सिंपल, काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, लाइक दिन भर में थोड़ा बहुत कॉल्स वगैरह में बात करना, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे टेक्स्टिंग वगैरह कर लेना, या फिर ज्यादा सा मन किया तो थोड़ा बहुत फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेना, बस इतना ही। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि अपने फोन में गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, या फिर करते भी तो थोड़ा बहुत कभी कभार टाइम पास के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा एक काफी ज्यादा रफ यूजर होते हैं। दिन भर अपने फोन में घुसे हुए रहना है, दिन भर अपने फोन में सोशल मीडिया वगैरह यूज करते रहना है, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल पे रिप्लाई करना है, फोटो वीडियोस क्लिक करना, यूट्यूब पे वीडियोस या फिर नेटफ्लिक्स मूवीज वगैरह देखना है, फोटो वीडियोस को एडिटिंग वगैरह करना है, ये सारा काम करना है। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो यूजर्स जो कि इस फोन को लेने का सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस से, कि डिस्प्ले का साइज भी हमें बड़ा देखने को मिल रहा है, बैटरी भी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम गेमिंग के लिए ले लेते हैं। तो गेमिंग के टाइम में भी किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, तो आई गेस यहाँ पर आपको आपका कैटेगरी तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी के यूजर हो, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड। इससे आपको समझने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले यूजर्स की, मतलब कि अगर आप लोग एक काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके के यूजर हो, अपने फोन को काफी ज्यादा सिंपल तरीके से दिन भर में यूज करते हो, उस केस में बता दूं इस फोन से आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए, लाइक सुबह अगर आपके फोन की जो बैटरी वो 9 बजे 100% चार्ज है, उसके बाद में यूज करना स्टार्ट करते हो तो रात के 10 बजे 11 बजे तक तो आराम से इस फोन से आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको सुबह नेक्स्ट डे चार्ज में लगाने की जरूरत पड़े। सेकंड कैटेगरी की बात कर ले तो अगर आप लोग काफी ज्यादा हेवी यूजर हो, अपने फोन में दिन भर ही घुसे हुए रहते हो, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना है, तो उस केस में बता दूं इस फोन को आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार और चार्ज में लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके फोन की जो बैटरी सुबह 9 बजे 100% चार्ज है तो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक में इस फोन की जो बैटरी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इस फोन को आपको दोबारा से चार्ज में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको नेक्स्ट डे सुबह तक का बैटरी बैकअप इस फोन से देखने को इजीली मिल जाएगा। हेवी यूसेज में आपको एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है,
जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल आईफोन 14 प्लस या फिर 15 प्लस से कंपैरिजन करें तो उस केस में आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और अब अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग एक थर्ड कैटेगरी वाले यूजर्स हो, मतलब कि अपने फोन को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज से लेने का प्लान कर रहे हो, जैसे कि BGMI हो गया, COD हो गया, ये सारा खेलने के लिए, तो बता दो अगर आप लोग कंटिन्यू आधे घंटे तक की BGMI गेम प्ले करते हो, उस केस में आपको जो बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी वो आपको लगभग लगभग 8-9% के आसपास में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग कंटिन्यू एक घंटे तक की गेम प्ले करते हो, उस केस में आपको 17-18% के आसपास में बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगी। और ऐसा तब आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग उस फोन को लेने जा रहे हो जिसमें कि आपको बैटरी हेल्थ जो है वो 85-90% के आसपास में देखने को मिल रही हो। तो आई गेस यहाँ पर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी के यूजर हो और आप लोगों को किस तरह की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी iPhone 14 Pro Max से। और अब रही बात चार्जिंग की, तो मैं इस फोन को सैमसंग के 25 वॉट से चार्ज करता हूं, क्योंकि iPhone 14 Pro Max जो है ये 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है मैक्सिमम, इसलिए मैं 25 वॉट के चार्जर को ही यूज करता हूं। उस केस में अगर मैं इस फोन को 10% से चार्ज में लगाऊं तो लगभग लगभग 1 घंटा 25 मिनट के आसपास में लग जाता है इस फोन को फुल चार्ज होने में। मतलब कि अगर आप लोग 0-100% चार्ज करोगे तो उस केस में आपको 1 घंटा 35 मिनट के आसपास में या फिर 1 घंटा 40 मिनट के आसपास में लगने वाला है। तो आई गेस यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा iPhone 14 Pro Max के बैटरी बैकअप से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर पसंद हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। अगर आपको चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, उसी तरह सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।